साथियों नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार फार्मासिस्ट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इफ एनी क्वेरी और क्वेश्चन प्लीज कमेंट, हम आप तक उसको सॉल्व करके पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की एक और क्रूड ड्रग आंवला के बारे में। आंवला, व्हाट इज मीन्स बाय आंवला, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ आंवला, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स आंवला, व्हाट इज द जियोग्राफिकल सोर्स आंवला, व्हाट इज द कल्टिवेशन एंड कलेक्शन एंड व्हाट इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ द आंवला। तो सबसे पहले हम सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो सिनोनिम्स आंवला इज एम्बेलिका, इंडियन घोसबेरी, अमालकी, और जैसा कि संस्कृत में इसको अमृता एंड अमृत फल, जो पहले ऋषि मुनि थे वो अमृत फल भी कहते थे, और पंच रसा भी इसको कहते हैं, पंच रसा भी कहते हैं। तो ये तो हो गए बायोलॉजिकल सिनोनिम्स की बारे। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एज वेल एज फ्रेश फ्रूट ऑफ प्लांट एम्बेलिका ऑफिसिनेल्स, दिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स एम्बेलिका ऑफिसिनेल्स। एंड फैमिली इज E4BAC, E4BAC, एंड दिस इज द फैमिली E4BAC। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं, नहीं जियोग्राफिकल सोर्स की बात करते हैं, तो इट वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो इसका जो कल्टीवेशन कलेक्शन श्रीलंका एंड मम्यार में होता है, और फिर उसके बाद भारत में होता है। अब हम कल्टीवेशन एंड कलेक्शन की बात करते हैं, तो दिस इज कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, ये मतलब बडिंग मेथड के माध्यम से इसका जो है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन होता है, और जो नर्सरी है उसमें इसके बीज बो के पौधा बना के उससे भी इसको जो है उगा के रुपाई की जाती है। ये मई के महीने में, लगभग मई के महीने में बीज का पौधा या बीज पौधा लगाया जाता है, या फिर खड्डा खोद के उसमें जो है सीड्स डाल देते हैं, 2 या 3 सीड डालते हैं, और उसका जब पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसमें देखते हैं जो हेल्दी प्लांट होता है उसको रखते हैं और दूसरे को हटा देते हैं। तो मई में इसका जो है रुपाई और जो है कल्टिवेशन एंड कलेक्शन किया जाता है। साथ ही साथ इसकी जो है जो भूमि होती है वो एसिडिक इन नेचर, क्षारी, मतलब कि लगभग इसका 9 pH होना चाहिए। ये बलुई मिट्टी में इसका कल्टीवेशन एंड कलेक्शन नहीं होता है। तो अब साथ ही साथ हम बात करेंगे हम माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स की। कलर इज ग्रीन एंड चेंज टू लाइट येलो एंड ब्रिक रेड एट मेच्योरिटी। तो इसका फ्रूट जो होता है, जो पक के एकदम तैयार हो जाता है, तो कुछ ब्रिक रेड टाइप का हो जाता है। एंड ऑर्डर इज ऑर्डरलेस एंड टेस्ट ऑफ आंवला इज अस्ट्रिंजेंट एंड सोर, थोड़ा सा खट्टा इसका टेस्ट होता है। साइज जो होता है लगभग 1.5 to 2.5 cm डायामीटर होता है। एंड शेप ग्लोबुलर एंड फ्रूट आर डिप्रेस्ड इसका शेप होता है। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। आंवला फ्रूट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें विटामिन सी और होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। साथ ही साथ कुछ इसके जो है क्या कहते हैं कि मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड इसमें होते हैं, जैसे मिनरल्स है फास्फोरस है, और क्या कहते हैं कैल्शियम है, आयरन्स है, और बहुत से एल्कोलाइड्स भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि फाइलेम्बलीन एल्कोलाइड्स होता है, और बहुत ही विटामिन सी ज्यादा मात्रा में आंवला में पाया जाता है, तो इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह जो भी प्रोडक्शन करते हैं आयुर्वेदिक कैप्सूल बहुत से सेल होते हैं, जैसे हिमालया है, बैद्यनाथ है, और जो च्यवनप्राश का जो प्रोडक्शन होता है उसमें आंवला का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यूजेस की। आंवला फ्रूट इज लार्जली यूज इन इंडियन मेडिसिन एंड एज ए डायबिटिक, रेफ्रिजरेंट एंड लग्जेटिव एंड डायरिया एंड डिसेंट्री में इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ज्वाइंटिस एंड डिस्पेप्सिया में इस्तेमाल होता है। एंड वेरी मोर यूज इन शैम्पूस लाइक आंवला शैम्पू, बहुत सी कंपनियां आंवला शैम्पू इसका जो है बनाती हैं, एंड हेयर ऑयल्स बनाती हैं, और च्यवनप्राश का जो भी ठंड में जो है नॉर्थ इंडिया में जब ठंडक होती है तो जो च्यवनप्राश प्रोडक्शन होता है उसमें आंवला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। इस तरह से बहुत से इसके इस्तेमाल हैं। तो इसी के साथ साथ आज इजाजत दीजिए, नमस्कार।